हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में। थ्रेडेड बाइनरी ट्री के पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, आप उसको देख लीजिए, फिर आपको ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम एक और स्पेशल पॉइंटर यूज करते हैं जो कि हमारे हायर नोड को पॉइंट करता है। अब ये हायर नोड डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रवर्सल पर वर्क कर रहे हैं, इन ऑर्डर पर वर्क कर रहे हैं, प्री ऑर्डर पर या पोस्ट ऑर्डर पर। यहां पर हम जो देखने वाले हैं वो इन ऑर्डर ट्रवर्सल के लिए हम यहां पर बात करेंगे। सपोज यहां पर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। यदि मैं इसका इन ऑर्डर ट्रवर्सल लिखती हूं तो क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर मतलब क्या हुआ? लेफ्ट, रूट, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये है, इसके भी लेफ्ट में क्या है? सी। तो सी, फिर रूट, फिर राइट, ठीक है। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने ट्री ट्रवर्सल को अच्छे से समझा था। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट, रूट, राइट, इसको ट्रवर्स कर लिया। इसके बाद आते हैं ए, इसके बाद आते हैं राइट पे, तो राइट पे हमें फिर लेफ्ट मिल जाता है एफ, और ये रूट ई। तो इसका इन ऑर्डर ट्रवर्सल ये है सी बी डी ए ई एफ। अब यदि मैं इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना चाहूं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से, तो हम इस तरीके से करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, इसके लेफ्ट में क्या है? बी है, बी के लेफ्ट में क्या है? डी है, इसके राइट में क्या है? सॉरी, सी है, इसके राइट में क्या है? डी है, ठीक है। यहां और कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ नल स्टोर हो जाएगा, यहाँ नल, यहाँ नल, यहाँ नल, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसके राइट में क्या है? ई है, तो ये ई स्टोर हो गया। ई के लेफ्ट में क्या है? ई के लेफ्ट में है एफ, तो ये एफ स्टोर हो गया। अब एफ की और कोई फर्दर ब्रांच नहीं है तो यहाँ पर नल एंट्रीज आ जाएंगी, और यहाँ पे राइट साइड में भी हमें कोई नोड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नल एंट्री आ जाएगी। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि यहाँ पर हमें काफी सारी नल एंट्रीज मिल रही हैं, तो इन नल एंट्री को हम एक पॉइंटर में चेंज कर सकते हैं जो इनके प्रीवियस हायर नोड को पॉइंट करें। सपोज हायर नोड हम कैसे देखेंगे? ये हमारा इन ऑर्डर ट्रवर्सल है। अब हम देखते हैं सी, जिसमें की नल एंट्री है, तो सी के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी, ठीक है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं वन वे थ्रेडिंग, वन वे थ्रेडिंग, ठीक है। वन वे थ्रेडिंग में हमें क्या करना है? राइट फील्ड जो हमारी रहेगी जिसमें नल एंट्री है उसे हम वापस पॉइंट करेंगे हायर नोड पे। इसका हायर नोड क्या हो जाएगा? सी की जो नल एंट्री है राइट पे, इसका हायर नोड हो जाएगा इसके बाद वाला नोड बी। तो ये जो पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ एक पॉइंटर हम बनाएंगे, थ्रेड पॉइंटर जिसे हम कहेंगे, ये पॉइंट करेगा किसे? बी को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका राइट में भी नल एंट्री है तो इसके राइट को हम क्या, कहाँ पॉइंट करेंगे? तो इसके राइट को हम यहाँ से देखेंगे, इसके बाद कौन सा आ रहा है? नोड ए। तो इसका राइट किसे पॉइंट करने लग जाएगा? नोड ए, जो की है रूट नोड। आई बात समझ में? तो ये थ्रेड है जो नए पॉइंटर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइट फील्ड में, ये क्या कहलाते हैं? थ्रेड। अभी हम वन वे थ्रेडिंग देख रहे हैं इसलिए हम सिर्फ राइट पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, राइट थ्रेडिंग का यूज कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एफ में हमें नल एंट्री मिल रही है, तो ये नल एंट्री में हम एक थ्रेड और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एफ के बाद क्या मिल रहा है हमें? ई, तो ये यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा एक थ्रेड, ठीक है, नल एंट्री यहां से हट जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम जो नल एंट्रीज हैं राइट फील्ड की उसे अपने हायर नोड को पॉइंट करते हुए एक थ्रेड, यहां पे थ्रेड पॉइंटर बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहां पर ये जो नल एंट्री है ये भी आप रूट नोड को पॉइंट करते हुए बना सकते हैं, ठीक है।
या आप फिर एक और नोड होता है हेडर नोड, जिसमें कि रूट को पॉइंट करता हुआ एक हेडर नोड रहता है इस तरीके से, जो कि लेफ्ट, जिसका लेफ्ट पॉइंटर रूट को पॉइंट करता है और राइट पॉइंटर हेड को ही पॉइंट करता है। ठीक है, तो यदि ये हेडर नोड वाला कोई बाइनरी ट्री है तो आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंटर है किसे पॉइंट करने लग जाएगा, फिर हेडर नोड। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो नल एंट्रीज थी उनको हमने क्या किया, मेमोरी में एक नया पॉइंटर लेकर आए जिसे हम बोल रहे हैं थ्रेड पॉइंटर, जो कि अपने हायर नोड को पॉइंट कर रहा है। ये अभी हमने देखा है कि राइट फील्ड में हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, वन वे थ्रेडिंग। एक और तरीका होता है जिसे हम कह रहे हैं टू वे थ्रेडिंग। टू वे थ्रेडिंग में आपको क्या करना है, जैसे हमने राइट फील्ड को यूज किया यहाँ पर थ्रेड पॉइंटर के लिए, इसी तरीके से हम लेफ्ट फील्ड को भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट में जो नल एंट्री मिल रही है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम इन ऑर्डर को देखेंगे और जो लेफ्ट में नोड होगा, नल एंट्री जिसके पास मिल रही है उसके लेफ्ट में नल नोड होगा वो उसे पॉइंट करेगा। कैसे देखते हैं, देखिए ये सी है, सी में नल एंट्री है लेकिन सी के नल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक थ्रेडिंग नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर अगर आप देखें डी, डी में भी नल एंट्री है तो नल एंट्री है यहाँ पे डी के लेफ्ट में आपको क्या मिल रहा है, बी, तो ये नल एंट्री आप किसे पॉइंट करने लग जाएगी, यहाँ पे एक थ्रेड इंट्रोड्यूस करा देंगे हम और ये पॉइंट करेगा किसे, बी को। ठीक है, इसी तरीके से एफ, एफ के लेफ्ट में क्या है, ए, तो एफ का जो लेफ्ट है ये पॉइंट किसे करने जाएगा, ए को। ठीक है, और इसके बाद हमें कहीं भी लेफ्ट में पॉइंटर नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में जो नल एंट्री है उनका यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इन ऑर्डर लिख लेना है क्योंकि हम इन ऑर्डर देख रहे हैं, इन ऑर्डर लिख लेना है और उसके लेफ्ट और राइट में क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको थ्रेड को, उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करना है। तो ये हो जाता है हमारा वन वे थ्रेडिंग और टू वे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जो नल एंट्रीज थी हमारे पास नोड की उसको यूज किया है। जो हायर नोड है हमने पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लिया, उसके लेफ्ट में क्या है उसके राइट में क्या है ये उसके हायर नोड कहलाएंगे और उसको वो पॉइंट करेगा। तो ये हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।